माँ चिंता मत करो, मैं अभी किसी को मदद के लिए बुला कर लाती हूँ। दीपू तू 5 मिनट माँ के पास ही बैठ। हाँ दीदी ठीक है। सरिता भागती हुई पड़ोस के विक्रम के घर जाती है और जोर से दरवाजा खटखटाती है। विक्रम अंकल दरवाजा खोलो प्लीज, विक्रम अंकल दरवाजा खोलो प्लीज, विक्रम अंकल। 2 मिनट बाद विक्रम दरवाजा खोलता है। अंकल मम्मी अचानक से बेहोश हो गई है, प्लीज आप चलकर मदद करो। विक्रम और सरिता दौड़ते हुए सरिता के घर पहुंचते हैं। सरिता की मम्मी अभी भी बेहोश होती है और सरिता का छोटा भाई दीपू रोते हुए उसके सिर को सहला रहा होता है। विक्रम जल्दी से एम्बुलेंस बुलाता है और फिर सब लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां सरिता की मम्मी एडमिट हो जाती हैं। सरिता एक बेंच पर बैठी होती है, तभी उसके बगल में विक्रम आकर बैठता है। सरिता तुम ठीक तो हो ना? अंकल मम्मी को ठीक होने में कितना समय लग जाएगा? डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी मम्मी को दिल का दौरा पड़ा है, उसके दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा और 1 महीने तक एडमिट करके रखना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे अंकल? मैं तुम्हारी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा, पर ऑपरेशन बहुत महंगा है और इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। डॉक्टर आज ही पैसे जमा करने को बोल रहा है, वरना वो इलाज शुरू नहीं करेगा। पर हम पैसे कहाँ से लाएंगे? सरिता और विक्रम मिलकर भी ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं जमा कर पाते हैं और डॉक्टर सरिता की मम्मी का इलाज नहीं करता है। सरिता की मम्मी घर पर आ जाती है, पर अगले ही दिन उन्हें फिर से दिल का दौरा पड़ता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। सरिता अब इस दुनिया में अकेली हो जाती है और उसके ऊपर एक छोटे भाई दीपू की जिम्मेदारी भी होती है। वह नदी के किनारे बैठकर अपने परिवार के बारे में सोच रही होती है। समय कैसा खेल खेलता है, 1 साल पहले हमारा हंसता खेलता परिवार था, कितने खुश थे हम। पापा रात को ऑफिस से आते थे, हमारे लिए खिलौने लाते थे और माँ स्वादिष्ट खाना बनाकर रखती थी। मैं और दीपू खूब लड़ाई करते थे और वो हमें डांटती थी। हम सब मिलकर खाते हंसते और घूमने जाते थे। मेरे पापा की मैं लाडली थी, पर उस रात सब बदल गया जब पापा की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। अब इस दुनिया में मेरा दीपू के सिवा कौन है? पर मुझे हिम्मत बांधनी होगी और दीपू के लिए जीना होगा। हमारे पास तो बस अब हमारे माता पिता का घर ही बचा है। सरिता अपने घर पहुंचती है तो वहां देखती है कि दीपू घर के बाहर खड़ा रो रहा होता है। क्या हुआ दीपू? विक्रम अंकल कहाँ है? वो तो तेरी देखभाल कर रहे थे ना? तभी विक्रम घर के अंदर से कुछ पेपर्स लेकर आता है और उसे सरिता को पकड़ाता है। ये लो तुम्हारे घर के कागजात, यह घर अब मेरा है और तुम दोनों यहाँ नहीं रह सकते। चलो अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और यहाँ से निकल जाओ। सरिता को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वह विक्रम अंकल पर विश्वास करती थी, पर उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर विक्रम ने सरिता के घर को अपने नाम कर लिया था। सरिता और दीपू अब बेघर हो चुके थे। सरिता के पास कोई चारा नहीं था, वो अकेले लड़ भी नहीं सकती थी। वो दीपू को लेकर सड़क के किनारे बैठ जाती है। दीदी मम्मी पापा कहाँ चले गए हैं? वो हमें लेने क्यों नहीं आते? वो हमें खाना क्यों नहीं देते? दीदी मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम चिंता मत करो दीपू, मम्मी पापा कहीं नहीं गए हैं। वो हमेशा हमारे साथ हैं और हमें देख रहे हैं, बस हमारे पास नहीं आ सकते। पर मैं हूँ तुम्हारे पास और हमेशा रहूंगी। अभी तुम सो जाओ, कल मैं तुम्हें पक्का कुछ अच्छा खिलाऊंगी। सरिता दीपू को बड़ी मुश्किल से सुलाती है। उसके बाद वो आसपास के होटल में खाना मांगने के लिए जाती है। सारे होटल वाले उसे भगा देते हैं। फिर वो रामधारी के होटल पर पहुंचती है। अंकल 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, प्लीज कुछ खाने को दे दो प्लीज अंकल। ना जाने कहां कहां से आ जाते हैं रोज, जाओ यहां से, हमारे पास फ्री फुकट का खाना देने के लिए नहीं है, भिखारी लड़की कहीं की। तभी ये सारी बातें उस होटल का मालिक रामधारी सुन लेता है और वो आकर सरिता से पूछता है, क्या हुआ बच्ची, इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? मैं और मेरा भाई 2 दिन से भूखे हैं, प्लीज कुछ खाने को दे दो। ठीक है अभी देता हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती किसी भूखे को ऐसे भगाते हुए? जाओ जाकर उनके लिए खाना लेकर आओ। तुम बताओ लड़की तुम्हारे साथ क्या हुआ है? सरिता रामधारी को अपनी पूरी कहानी बताती है। सरिता की कहानी सुनकर रामधारी को बहुत दया आती है। वो कहता है, बताओ
मैं तुम्हारी और कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं खुद से पैसे कमाना चाहती हूँ। मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छे छोले कुलचे बनाने सिखाए हैं। मैं उसी को बनाकर बेचकर पैसा कमाना चाहती हूँ, पर मेरे पास ये काम शुरू करने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर आप मेरी इसमें सहायता कर पाए तो मैं आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। रामधारी सरिता को कुछ पैसे लाकर देता है और फिर कहता है, तुम्हारी हिम्मत बहुत कमाल की है। तुम कभी भी अपनी जिंदगी में हार नहीं मानती हो। अपने माँ बाप को खोने और अपने पड़ोसी से धोखा खाने के बाद भी तुम खुद से अपना काम शुरू करना चाहती हो। मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूँगा। मैं ये सब अपने भाई दीपू के लिए कर रही हूँ। अगर वह नहीं होता तो मैं आज अपना जीवन का त्याग कर चुकी होती। मैं आपसे एक और चीज मांगना चाहती हूँ। हाँ, कहो। मैंने होटल के बाहर एक पुरानी साइकिल रखी देखी थी, क्या मैं उसे भी ले सकती हूँ? मैं उस पर ही अपने छोले कुलचे का बिजनेस करूँगी। ठीक है, मैं उसे रिपेयर करा के तुम्हें कल सुबह दे दूंगा। इस तरह रामधारी की मदद से सरिता छोले कुलचे बनाना शुरू करती है और उसे साइकिल पर बेचना शुरू करती है। वो अपने छोले कुलचे का नाम रामधारी छोले कुलचे रखती है और उसके छोले कुलचे बहुत स्वादिष्ट होते हैं और उसे खाने के लिए बहुत से लोग सरिता को अपने घर बुलाते हैं। रामधारी सरिता को तरक्की करते हुए देखकर बहुत खुश होता है और उसे सरिता पर बहुत गर्व होता है। सरिता रामधारी को अपने बड़े भाई की तरह इज्जत करती है और धीरे धीरे उसके सारे पैसे चुका देती है। सरिता जितने पैसे कमाती है उसमें दीपू को भी एक अच्छे स्कूल में भेजती है और उसे खूब पढ़ाती है। सरिता 28 साल तक साइकिल पर छोले कुलचे बेचती है और उसका भाई दीपू पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाता है। दीपू सरिता को अपनी माँ के समान मानता है और अपनी सारी सफलता का श्रेय सरिता को देता है। दीपू के ऑफिसर बनने के बाद भी सरिता छोले कुलचे बेचना नहीं छोड़ती, क्योंकि इसी वजह से वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाई थी। वो पूरे शहर में साइकिल पर रामधारी छोले कुलचे बेचने के नाम से मशहूर होती है और दूसरे शहर के लोग सरिता के छोले कुलचे खाने के लिए आते रहते हैं। मीरपुर नाम का एक गांव था। गांव में जग्गू नाम का भिखारी रहता था। जग्गू के दो बच्चे थे, राजू और मिनी। पापा, क्या हम लोग हमेशा से गरीब हैं? नहीं बेटा, हम हमेशा से गरीब नहीं हैं। मेरे पिताजी यानी तुम्हारे दादा एक समृद्ध व्यक्ति थे। उन्हें एक बार जंगल में पनीर का घर मिला था। उस घर से कितना भी पनीर निकाला जा सकता था। पिताजी जादुई पनीर घर से पनीर निकालकर पास वाले पूरे शहर में पनीर बेचा करते थे। पनीर बेचकर मेरे पिता काफी अमीर हो गए। लेकिन फिर एक दिन गांव के मुखिया कबीर सिंह को जादुई पनीर घर के बारे में पता चल गया। भूपेंद्र, मैंने सुना है कि तुम्हें जंगल में कोई पनीर घर मिला है। हाँ मुखिया जी, मिला है, और उसी से मैं इतना अमीर हो पाया हूँ। अब दौलत के मामले में कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें भी पीछे छोड़ दूंगा। पूरी तहसील में जितनी भी डेयरियां हैं उन सबको मैं ही पनीर सप्लाई कर रहा हूँ। इस पूरे गांव की हर चीज पर सबसे पहले मेरा अधिकार है। तुमने मुझे बिना बताए जादुई पनीर घर से खूब कमाई की है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मुखिया ने पिताजी से उनका सब कुछ छीन लिया और उन्हें गांव से बाहर कर दिया। हालांकि पिताजी गांव के आसपास ही मंडराते रहे और जब किसी ने उन्हें काम नहीं दिया तो भीख मांग कर काम चलाते रहे। बेटा, तब से हम गरीब हैं। पिताजी, वो पनीर घर क्या अभी भी जंगल में है? नहीं, अब उस पनीर घर का कुछ पता नहीं है। जब मुखिया पनीर घर से पनीर निकालने पहुंचा तो वो घर गायब हो चुका था। तब से उस पनीर घर का कुछ पता नहीं है। किसी किसी दिन जग्गू के परिवार की बहुत बुरी हालत हो जाती। पिताजी, आज राजू को बुखार है। हम दोनों ने दो दिनों से कुछ नहीं खाया है। कुछ खाने को लेकर आइए। हाँ बेटी,
मैं अभी किसी के घर से कुछ मांग कर लाता हूँ। उस दिन जग्गू गांव के घर घर घूमता रहा, लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं दिया। जग्गू जब मुखिया के घर पहुँचा तो उसे घर के अंदर से गर्मा गर्म पराठों की खुशबू आ रही थी। मुखिया जी, दरवाजा खोलिए, मैं जग्गू हूँ। मेरे बच्चे बीमार और भूखे हैं, उन्हें कुछ खाने को दे दीजिए। जग्गू, तो फिर से यहाँ चला आया, चला जा यहाँ से, वरना अभी अपने नौकरों से कहकर तुझे गांव से बाहर निकलवा दूंगा। तुझे गांव में रहने दे रहा हूँ, इसे ही मेरी मेहरबानी समझ। इससे पहले कि मुखिया अपने आदमियों को भेजता, जग्गू सड़क पर एक कोने में छिपकर बैठ गया। कुछ देर बाद मुखिया घर में ताला डालकर अपने आदमियों के साथ कहीं चला गया। जग्गू ने सोचा कि वो अपने बच्चों की खातिर खाना चुराएगा। दीवार से कूदकर जग्गू मुखिया के घर में घुस गया। उसने 5-6 पराठे चुराए और भाग निकला। उस दिन जग्गू के परिवार का पराठों से पेट भरा। भरी दोपहरी में जब पूरे गांव में सन्नाटा था और जग्गू और उसके बच्चे सो रहे थे, तो अचानक किसी ने जग्गू के घर का दरवाजा तोड़ दिया। जग्गू और उसके बच्चे डर के मारे कांप गए। दरवाजे पर मुखिया और उसके आदमी डंडे लेकर खड़े हुए थे। जग्गू, तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तूने मेरे घर में घुसकर चोरी की? सीसीटीवी कैमरे में मैं तेरी सारी हरकतें देख कर आ रहा हूँ। नौकरों, जग्गू की जमकर पिटाई करो और इन तीनों को गांव से बाहर फेंक दो। ऐसा कहकर मुखिया वहां से चला गया। मुखिया के दोनों नौकर जग्गू को बुरी तरह लाठियों से पीटने लगे। राजू और मिनी अपने पिता को इस तरह पिटते हुए नहीं देख पाए। दोनों ने अपनी अपनी गुलेल उठाई और मुखिया के आदमियों के सीधे सिर पर गुलेल से पत्थर मारा। दोनों आदमी अपना अपना माथा पकड़कर बैठ गए। अरे मार डाला रे! पिताजी, जल्दी भागिए! तीनों लोग घर छोड़कर जंगल की तरफ भागे। मुखिया के दोनों आदमी उनके पीछे पीछे भागे। जग्गू कहाँ तक भागेगा? तुझे और तेरे बच्चों को मैं छोड़ूंगा नहीं। मुखिया के दोनों आदमी घायल शेरों की तरह जग्गू और उसके बच्चों के पीछे भाग रहे थे। ये हम किस मुसीबत में फंस गए पापा, अब क्या करें? जग्गू को लग रहा था कि वो और उसके बच्चे नहीं बच पाएंगे। तभी अचानक जग्गू और उसके बच्चों को पनीर का घर दिखाई दिया। तीनों लोग पनीर के घर में घुस गए। इससे पहले कि मुखिया के आदमी पनीर घर तक पहुँचते, पनीर घर गायब हो गया। पनीर घर में तुम लोगों का स्वागत है। इस जादुई घर से तुम जितना चाहो उतना पनीर निकाल सकते हो। क्या तुम वही पुराने पनीर घर हो जो मेरे पिताजी को मिले थे? हाँ, मैं वही हूँ। मैंने तुम्हारे पिताजी से मना किया था, मेरे द्वारा कमाई गई दौलत का दिखावा मत करना। अगर मेरे बारे में किसी को कुछ पता चल गया तो मैं गायब हो जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे पिताजी माने नहीं और आखिरकार मुखिया को मेरे बारे में पता चल गया और तब मुझे गायब होना पड़ा। तुम वही गलती मत करना जो तुम्हारे पिताजी ने की थी। नहीं, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा और तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर फिर भी मेरे बिना बताए किसी को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो क्या होगा? तुम इसकी चिंता मत करो, वो सब मैं संभाल लूंगा। सबसे पहले जग्गू और उसके बच्चों ने पेट भरकर पनीर खाया। पनीर तो बहुत स्वादिष्ट है पिताजी, लग रहा है जैसे वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम दूध में डालकर खा रहे हैं। बच्चों, हम कल से पनीर बेचने जाएंगे, लेकिन हम अंधाधुंध कमाई नहीं करेंगे। हम उतना ही बेचेंगे जितने की हमें जरूरत होगी। उधर मुखिया गुस्से से पागल हो रहा था। तुम दोनों ने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। दोनों अपना सिर घायल कराकर चले आए और कह रहे हो कि वे तीनों अचानक जंगल में गायब हो गए। अब मुझे रंगा और मुन्ना को भेजना पड़ेगा। मुखिया ने अपने आदमियों को जंगल के बाहर पहरे पर लगा दिया। मुखिया के आदमियों ने देखा
कि जग्गू, राजू और मिनी रोजाना पनीर लेकर बाजार में बेचने जा रहे हैं। उन्होंने ये बात जाकर मुखिया को बताई। पिछली बार तो वो पनीर घर ना जाने कहां गायब हो गया था, इस बार मुझे वो हर हाल में चाहिए। अगले दिन जैसे ही जग्गू का परिवार जंगल से बाहर निकला, मुखिया ने उसे पकड़ लिया और तीनों के हाथ बांध दिए। अब तुम तीनों चुपचाप मुझे उस पनीर घर तक ले चलोगे, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम खुद की शक्ल नहीं पहचान पाओगे। जग्गू, राजू और मिनी मुखिया को कई घंटों तक घुमाते रहे, लेकिन पनीर घर तक लेकर नहीं गए। जग्गू, बहुत देर हो गई, लगता है तू मेरे साथ चालाकी कर रहा है। नौकरों, इसके बच्चों को गहरे तालाब में फेंक दो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करिएगा, मैं लेकर चलता हूँ। आखिरकार जग्गू मुखिया को पनीर घर लेकर पहुँचा। तो ये रहा पनीर घर। नौकरों, इन लोगों को पेड़ से बांध दो, हम पनीर घर के अंदर घूमने जाएंगे। जैसे ही तीनों अंदर पहुँचे, ढेर सारा पनीर उनके ऊपर गिर पड़ा। मुखिया और उसके आदमी पनीर के ढेर के नीचे दब गए। कोई बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो, मेरी सांस रुक गई है, मेरा दम घुट रहा है। पहले जुबान दो मुखिया कि तुम कभी जग्गू के परिवार को परेशान नहीं करोगे और मुझे कभी भी नहीं ढूंढोगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं गांव के किसी आदमी को परेशान नहीं करूंगा, मुझे बचाओ। तब मुखिया के ऊपर पड़ा पनीर का ढेर गायब हो गया। मुखिया और उसके आदमियों ने जग्गू, राजू और मिनी को खोल दिया और फिर अपने घर भाग गए। एक गांव में सोनम नाम की एक लड़की अस्पताल के बाहर छोले बेचा करती थी। गर्मा गर्म छोले ले लो, चना जोर गरम बाबू मैं लाई मजेदार, चना जोर गरम इसमें डाला है बढ़िया मसाला, इसे खाएगा दिल वाला, ले लो चना जोर गरम। सोनम के छोले खूब बिका करते थे। अस्पताल के मरीज जब ठीक होकर बाहर आते तो वे एक बार सोनम के छोले जरूर खाते। अस्पताल के बाहर पिंकी नाम की एक पापड़ बेचने वाली भी आती थी। पिंकी के पापड़ कम बिका करते थे, इसलिए वह सोनम से बहुत चिढ़ती थी। गर्मा गर्म छोले, सड़े बुरे छोले, पता नहीं कितने दिन पुराने बासी छोले उठा लाती है ये सोनम सड़ेलिया। मेरे छोले तेरे गंदे सड़े पापड़ों से तो अच्छे ही हैं। सच बता, कितने दिनों से नहाई नहीं है। सोनम शाम को घर लौटकर अपनी बूढ़ी बीमार माँ की सेवा किया करती थी और उसे दिन भर की बातें भी सुनाती। अम्मा, आज एक अमीर ग्राहक ने मुझे 100 रुपए की टिप दी। ये क्या होता है? जब कोई खुश होकर कुछ एक्स्ट्रा पैसे देता है तो उसे ही टिप कहते हैं। बेटी, तू अपनी शादी के लिए कोई लड़का ढूंढ ले, मैं तो कहीं उठकर जा भी नहीं सकती। पहले तुम पूरी तरह स्वस्थ तो हो जाओ, तब मैं अपनी शादी कर लूंगी। सोनम की माँ का स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता गया। एक दिन उसे अपनी माँ को लेकर अस्पताल जाना पड़ा। पिंकी यह देखकर बहुत खुश हुई। सोनम की अम्मा अस्पताल में है, वो अब छोले बेचने नहीं आ पाएगी, तब तक मैं छोले का धंधा जमा लेती हूँ, ऐसा बढ़िया मौका फिर नहीं मिलेगा। पिंकी ने पापड़ बेचना छोड़ दिया और छोले बेचने लगी, लेकिन पिंकी के छोले का स्वाद लोगों को पसंद नहीं आया और पापड़ की तरह उसके छोले भी बहुत कम बिके। उधर सोनम की माँ की तबीयत ठीक हो गई और वह दोबारा छोले बेचने आ गई। सोनम के वापस आते ही उसके पास ग्राहकों की भीड़ लग गई। मैंने छोले बेचे तो किसी को पसंद नहीं आए, और इस सड़ेलिया के छोले देखो,
लोग कैसे लपा लप खा रहे हैं। इसे और इसके ग्राहकों को मजा चखाना पड़ेगा। पिंकी चुपके चुपके सोनम पर नजर रखने लगी। एक दिन जब सोनम अपनी छोले की टोकरी बाहर रखकर टॉयलेट के लिए अंदर गई, तो पिंकी ने उसके छोलों में खुजली की दवा मिला दी। उस शाम जिसने भी छोले खाए वह खुजली से परेशान हो गया। इस लड़की के छोले खाने से खुजली हो रही है, भगाओ इसे यहाँ से। लोग सोनम को अस्पताल के बाहर से भगा देते हैं। पिंकी यह सब देखकर बहुत खुश होती है। अब आया ना मजा। सोनम वीरपुर जाने वाली सड़क किनारे बैठकर रोने लगी। अब मैं अपनी माँ का इलाज कैसे कराऊंगी। सोनम के पास एक बुढ़िया खाना मांगने आई। बेटी अपनी टोकरी से कुछ छोले मुझे दे दो, बहुत भूख लगी है। अम्मा ये छोले मत खाओ, इनमें किसी ने कुछ मिला दिया है। मेरे पास 100 रुपए हैं, चाहो तो ये ले जाओ, कहीं से खाना खरीद कर खा लेना। सोनम ने बूढ़ी औरत को अपना 100 का नोट दे दिया। बूढ़ी औरत ने छोलों के ऊपर अपना हाथ किया, कुछ प्रकाश हुआ, फिर वह बूढ़ी औरत चली गई। सोनम खुजली वाले छोले लेकर घर पहुंची। उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। ला एक चम्मच छोले मैं खाकर देखती हूँ, पता लग जाएगा कि इससे खुजली हो रही है या नहीं। माँ ने एक चम्मच छोले खाए। छोले खाते ही सोनम की माँ एकदम स्वस्थ हो गई। बेटी मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मुझे कहीं खुजली भी नहीं हो रही है। लगता है तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी। तुम इन्हीं छोलों को कल दोबारा बेचने जाना। सोनम अगले दिन ही छोले लेकर अस्पताल के बाहर पहुंची। अस्पताल के बाहर ये बात फैल गई कि एक लड़की जादुई छोले बेच रही है, जिसके छोले खाने से कोई भी बीमारी ठीक हो जा रही है। सोनम के पास रोगियों की भीड़ उमड़ने लगी। लोगों ने उसे 2 गुने 3 गुने पैसे दिए और छोले खाए और सभी स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए। पिंकी को भी यह बात पता लगी। जादुई छोले, ये क्या पागलपन है, जरा मैं भी तो खाकर देखूं। पिंकी ने भी सोनम के छोले खरीदे। जैसे ही उसने छोले खाए उसे भयानक खुजली होने लगी। अरे अरे अम्मा मर गई रे, ये क्या हो रहा है, हर जगह बहुत खुजली हो रही है, मर गई रे मर गई। सोनम ने देखा कि बूढ़ी औरत जिसे उसने 100 का नोट दिया था दूर खड़ी मुस्कुरा रही है। सोनम समझ गई कि जादुई छोले उसी बूढ़ी अम्मा का चमत्कार है। बूढ़ी औरत पिंकी के पास गई और उससे बोली, क्या अब भी तुम कभी दूसरों के सामान में कोई उल्टी सीधी चीज तो नहीं मिलाओगी। अगर तुम वादा करो तो मैं तुम्हारी खुजली ठीक कर दूं। हाँ हाँ हाँ, मेरी खुजली जल्दी से ठीक करो, मैं वादा करती हूँ, आगे से कोई शरारत नहीं करूंगी। औरत पिंकी को ठीक कर देती है और गायब हो जाती है। सोना देने वाली प्रेस। सुरभि के माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो जाने के कारण सुरभि के चाचा चाची को उसे पालना पड़ा। सुरभि की चाची सुरभि को अपने ऊपर बोझ मानती थी। एक तो हमारे घर भी लड़की हुई, ऊपर से तुम्हारे भाई अपनी लड़की हमारे ऊपर छोड़कर चले गए। तुम्हारा काम धंधा तो वैसे भी ठीक नहीं चलता, अब हम दो दो लड़कियों की शादी कैसे करेंगे। समय आने पर सभी लड़कियों की शादी हो जाती। कल मैं सुरभि और दीपिका दोनों के लिए लड़का ढूंढने जाऊंगा। सुरभि के लिए कोई गरीब घर का लड़का ढूंढना और हमारी बेटी दीपिका के लिए कोई अमीर घर का अच्छा लड़का, समझ गए। दीपिका पूरे दिन पड़ी पड़ी सोती रहती, सोकर उठती तो खाती और रोजाना नई नई डिमांड करती। माँ
मुझे अपने लिए लिपस्टिक, पाउडर, चप्पलें और भी ढेर सारा सामान लाना है। 5,000 रुपए दो ना। दूसरी तरफ सुरभि घर का सारा काम करती और कोई भी डिमांड नहीं करती। चाची जी, कपड़े प्रेस हो गए और खाना भी बन गया है, खा लीजिए। दीपिका, तुम भी खाना खा लो। मैं अभी बाहर से आई हूँ, मेरे पैर गंदे हो गए हैं, पानी लाकर मेरे पैर धो दे। मैं अभी तुम्हारे पैर नहीं धो सकती क्योंकि मैं खाना परोसने जा रही हूँ। क्या क्या कहा? तू मेरे पैर नहीं धो सकती? अभी लाते मार मार कर तेरा मुंह सुजा दूंगी। तभी सुरभि के चाचा वहाँ आ जाते हैं। दीपिका, अपनी बहन से इस तरह बात करते हैं क्या? तुमने यही तमीज सीखी है? आप क्यों उसे डांट रहे हैं? उसने क्या असलियत में लात मार दी? सुरभि, जा चाचा के लिए पानी लेकर आ और उसके बाद अलमारी में रखे पुराने कपड़े भी प्रेस कर देना। सुरभि चली जाती है तो चाची चाचा से कहती है, कोई लड़का मिला या नहीं? हाँ, दो लड़के मिले हैं, एक अमीर घर का है और दूसरा बहुत गरीब। चाची और चाचा अपनी बेटी दीपिका की शादी अमीर घर के लड़के से कर देते हैं और सुरभि की शादी गरीब लड़के से हो जाती है। सुरभि का पति दिहाड़ी मजदूर था। जिस दिन उसे काम नहीं मिलता उस दिन उनके घर चूल्हा भी नहीं जल पाता। लगता है मुझे भी काम करना चाहिए। अगर हम दोनों काम करेंगे तो शायद हमारे घर का खर्चा आसानी से चल जाए। लेकिन तुम क्या काम करोगी? मैं कपड़े प्रेस करूंगी। चाची भी मुझसे कपड़े प्रेस करवाती थी। सुरभि ने कबाड़ी वाले से एक पुरानी प्रेस खरीदी और कपड़े प्रेस करने शुरू कर दिए। वह गांव के बड़े घरों से कपड़े लाती, उन्हें प्रेस करती और वापस घर पहुंचा कर आती। एक दिन एक बूढ़ी औरत सुरभि के गांव से गुजर रही थी। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और बूढ़ी अम्मा के सारे कपड़े भीग गए। अरे राम रे, सारे कपड़े भीग गए। मुझे तो अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। गीले कपड़े पहने रही तो बीमार पड़ जाऊंगी। बूढ़ी अम्मा ने सुरभि के गेट पर कपड़े प्रेस कराने का बोर्ड लगा देखा। वह घर के अंदर गई। बेटी, मेरे कपड़े भीग गए हैं और मुझे जरा जल्दी निकलना है। क्या तुम मेरे कपड़े सुखा दोगी? हाँ अम्मा, आप कुछ देर के लिए मेरी साड़ी पहन लीजिए और अपनी साड़ी मुझे उतार कर दे दीजिए, मैं अभी सुखा देती हूँ। सुरभि कुछ ही मिनट में प्रेस से बूढ़ी औरत की साड़ी सुखा देती है। बेटिया, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं अम्मा, आप तो मेरी माँ समान हैं। बूढ़ी औरत सुरभि को अपना आशीर्वाद और दुआएं देकर चली जाती है। अगले दिन सुरभि ने कपड़ों पर प्रेस रखी तो कपड़ा सोने का बन गया। अरे ये क्या हो गया, ये कपड़ा तो सोने का बन गया। सुरभि ने फिर दूसरे कपड़ों पर भी प्रेस रखकर देखी। जिस भी कपड़े पर प्रेस रखी जाती कपड़ा सोने का बन जाता। अजी सुनिए, देखिए ये क्या हो रहा है। लगता है कल जो बूढ़ी अम्मा हमारे घर आई थी ये सब उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है। सुरभि और सुरभि का पति सोना देने वाली प्रेस से जल्द ही अमीर हो जाते हैं। उधर सुरभि के चाचा का बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। उनका घर नीलाम होने वाला था। चाचा जब अपनी सगी बेटी दीपिका के घर से मदद मांगने जाते हैं तो दीपिका के पति ने मदद करने से इनकार कर दिया। सुरभि को जब यह बात पता लगी कि चाचा का घर नीलाम होने वाला है तो उसने वह घर खरीद लिया और चाचा चाची के पास जाकर बोली, चाचा आपका घर आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये लीजिए आपके घर की चाबी। दीपिका और उसके पति ने हमारी कोई मदद नहीं की और सुरभि तुमने हमें हमारा घर वापस दिलाया। हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया था फिर भी तुमने अपने अच्छे व्यवहार को नहीं छोड़ा, हमें माफ कर देना बेटा। माफी मांगने की जरूरत नहीं है चाची, मैंने आप दोनों को ही अपना माता पिता माना, इसलिए मुसीबत के समय मैं आपकी मदद नहीं करूँगी तो कौन करेगा। चाची सुरभि को अपनी असली बेटी से भी ज्यादा प्यार करने लगी और इस तरह वे लोग खुशहाल जीवन बिताने लगे।